Здравствуйте. Разговариваете хорошо? Нормально. Отлично. Это благотворительный фонд, то есть больные дети, ага. Там всякие неблагополучные семьи. А ये गरीब बच्चों के लिए यहां पे पैसे इकट्ठे करते हैं. А вы откуда? Мы из Пакистана. Вы знаете, что такое страну Пакистан? Я знаю. Ну и что знаете про это? Как вы хотите? Ну, давайте. Пожалуйста. Ну, что знаете про Пакистан? Да ничего не знаете. Абсолютно. А вы про Беларусь что знаете? Все. Что знаем. Так, ваша задача такая сегодня. Идете на интернет и все, что можете накопать про Пакистан, читаете. Хорошо. Будет вам приятно. Хорошо. Все, спасибо. Вот я... तो ये यहाँ पे लड़की खड़ी थी दुकान के बाहर, तो ये गरीब बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए पैसे जमा कर रही थी. ये आगे वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट हुआ करता था, वो अभी भी है? नहीं है, खत्म हो गया. ये बर्गर किंग है यहाँ पर. ये मिन्स्क शहर का, बल्कि बेलारूस का काफ़ी मशहूर मेडिकल सेंटर है. और ये जो इस साइड पे है, यहाँ से शुरू होती है एंड तक, ये है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ा था. ये इस यूनिवर्सिटी के तकरीबन हर बिल्डिंग में मेरी कोई ना कोई क्लास हुआ करती थी. उसकी वीडियो बनाओ गाड़ी. और ये इनके सबसे मशहूर जूतों की दुकान, जगह जगह पे इनकी दुकानें हैं. बेल वेस्ट लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. क्या 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 कह रहे थे? शूज की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी. बहुत बड़ी. और ये इनकी दुकानें सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, बल्कि सारे रशिया में, यूक्रेन में, बाल्टिक स्टेट में भी हैं. ये बहुत बहुत बड़ी कंपनी है. और ये यूनिवर्सिटी है. और ये जो सामने ग्राउंड है, वहाँ पर हम कभी कभी क्रिकेट भी खेलते थे. वो फुटबॉल की ग्राउंड है वहाँ पर. अच्छा जायद भाई, ज़रा बताएं इस बिल्डिंग के बारे में. तुमने यहाँ पे तो बहुत दिन गुजारे हैं. ये हमारा मिस रेडियो टेक्निकल कॉलेज है, यहाँ पे हम पढ़ते थे. हमारे ग्रुप में कोई 10-12 लड़के थे पाकिस्तानी. पाकिस्तानी. अच्छा. वसीम खान, आमिर जान, सादत था लाहौर से. अच्छा. इब्राहिम पेशावर से. अच्छा. और सैफी था कराची से, अब्बास था कराची से, आसम था पिंडी से, अब्दुलरहमान पिंडी से, उजेरा. और कौन था? उजेरा. हाँ, उजेर उजेर लाहौर से. ये सब लड़के हमारा एक ग्रुप था इधर पर. और एक जफर था, वो डॉक्टर खान का बेटा. अच्छा, जफर. जफर भी इधर पढ़ता था? हाँ, जफर भी इधर. अच्छा. स्पेशल वसीम खान के लिए वीडियो. ये वो बहुत अरसे से ये कह रहा था कि बनाओ वीडियो, हॉस्टल की भी, इधर की. अभी हम इधर बना रहे, फिर हॉस्टल की भी बनाओ. चलो अंदर तो नहीं जाएंगे, खैर से. तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे जायद बट साहब पढ़ते थे और बहुत से और पाकिस्तानी. और ये बिल्कुल सामने है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी.
ये वाली, ये बिल्कुल एंड तक इंस्टीट्यूट कहते थे अभी यूनिवर्सिटी का इसको करके। साइड पे आ गए हैं, वहाँ से दिखाता हूँ, ये वो कॉलेज है इसके बारे में अभी जाहिर ने बताया था। एक और लड़का भी था यार, क्या नाम था, अली फिनलैंड में होता है, वो फिनलैंड, अच्छा वो फिनलैंड में होता है, अच्छा अच्छा। ये हॉस्पिटल है सर, ये हॉस्पिटल है। ओ यार, इस होटल में, हॉस्पिटल में मैं बहुत दफा आया हूँ अपने वो नाक के प्रॉब्लम के लिए। और अभी आपको हम फ्रंट दिखाते हैं अपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, जिससे बहुत सी यादें वाबस्त हैं हमारी। तो ये मेन गेट है जिसका, तो ये इसका फ्रंट गेट है। यहाँ पे हमारे मेन ऑफिस हुआ करते थे, मेन बिल्डिंग यही है। और उसके बाद हर सब्जेक्ट के मुख्तलिफ बिल्डिंगों में होती थी लेक्चर। और यहाँ पे भी फॉरेन स्टूडेंट का ऑफिस भी इधर ही है, तो देख। और आज तो, कल तो छुट्टियाँ हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, ये पहले नहीं था, ये अभी बना है मेरे ख्याल में, हमारे बाद बना है ये। तो दिखाते हैं आपको, तो अगर ये छुट्टियां ना होती तो यहाँ पे बहुत लोग होते। ये अंदर का हाल है फर्स्ट वाला। तो ये सेकंड फ्लोर पे हमारे डीन के ऑफिस हुआ करते थे, और थर्ड फ्लोर पे हमारे फॉरेन स्टूडेंट की फैकल्टी थी। तो ये स्टूडेंटों की ड्यूटी लगी हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको कभी अंदर से दिखाऊंगा, जब स्टूडेंट होंगे तो आप इंजॉय करेंगे, तो बहुत रश होता है उस वक्त। तो ये जायद भाई और नूर खान भाई रेस्ट कर रहे हैं। तो छुट्टियां यार, कोई नहीं है अंदर, एक तो सैटरडे है ना, और ऊपर से जुलाई, जुलाई का महीना भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे अंदर से, जब स्टूडेंट वापस आएंगे छुट्टियों से, और अगर मैं भी उधर हुआ तो। ये वो स्टूडेंट है जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे जब हम इधर। सही बात, इसकी 22-24 साल उम्र होगी ना। हाँ, 22-24 साल तो। यार तुम वीडियो में ये ना बताओ ना, लोग समझेंगे हम बहुत बूढ़े हैं। तो वो बूढ़े तो नहीं है, लेकिन जवान भी नहीं है। हाँ तो शायद भाई, आपको याद आ रहे हैं कोई अपने बंदे के, कौन कौन पढ़ता था यहाँ पे जरा बताओ। नासर जमान था, अच्छा, मसूद खान था, जायद खटक था, और नदीम था मुल्तान वाला। हाँ बिल्कुल, और टायर लंबा था वो, टायर मुछल। टायर मुछल यार, अल्लाह उसको जन्नत फौत, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो चुका है। और कौन था, और एक होता था जहांजेब, जहांजेब मेरा क्लास फेलो। बिल्कुल जहांजेब था वो, और कौन कौन था सर, फतेह चावू से बोलो। और जहांजेब का भाई भी था ना, नदीम, नदीम नाम था, नहीं नदीम उसका नाम था, शेर यार, शेर यार बिल्कुल, और बाबर बिल्कुल, और कौन, और हमसे पहले भी बहुत लड़के हैं। अच्छा एक लड़के का नाम तुम लोग भूल गए, किसका, सबसे जरूरी नाम
अभी तुम उसके साथ दो तीन घंटे गुजारे हैं उसका नाम कासिम खान जी और मोहन भाई थे वो भी फौत हो चुके हैं, वो तो कोरोना की वजह से, वो ये बांग्लादेश नेपाल के थे, तो हमारे बहुत नेपाली दोस्त यहाँ पे हुआ करते हैं, इंडियन हुआ करते थे, श्रीलंकन गुप्ता भैया गुप्ता था और कौन था गुप्ता बीने था, नहीं बहुत लड़के थे, बहुत सारे लड़के, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी याद आ रहे थे रमेश में से इंस्टीट्यूट में था मेरे ख्याल में और राम बाबू और गणेश बाबू थे, वो भी थे, अमीन था, काफी लड़के थे यार इधर, हाँ 200-300 बंदों ने खत्म किए इधर, तकरीबन 200-300 पाकिस्तानी ने बिल्कुल, और हमसे पहले भी काफ़ी यहाँ पे पड़े थे, वो सोवियत यूनियन वक्त के यहाँ पे पड़े हुए थे, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं इधर से शुरू है वो आज तक इनके वो डिपार्टमेंट्स, फयाज भी इधर ही पड़ा, फयाज भी नहीं फयाज इधर नहीं, फयाज इंडिया कुलतूरी में था, वो